जनाब सरफराज अहमद बुगटी साहब, तजवीज़ कुनंदा नवाब सनाउल्ला ज़ेरी साहब, थायत कुनंदा नवाब चंगेज़ मरी साहब। इसके अलावा हमें और कोई भी नॉमिनेशन पेपर मौसूल नहीं हुए हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला सरफराज अहमद बुगटी साहब हमारे बिला मुकाबला चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं अब्दुल खालिक अचकज़ई बहैसियत स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली आपसे मुखातिब हूँ। जैसे आपको इलम है कि आज चीफ मिनिस्टर के लिए कागजात नामजदगी जमा होने थे और उनके लिए हमने टाइम रखा था 5 बजे तक। आज जो 5 बजे तक जो कागजात हमें मौसूल हुए हैं, वो मैं आपके सामने वो बयान कर देता हूँ जिन लोगों ने, जिन मेंबर्स ने प्रपोज़ किया है और सेकंड किया है, उन कैंडिडेट के नाम आपके सामने मैं पेश करने लगा हूँ। नाम उम्मीदवार जनाब सरफराज अहमद बुगटी साहब, तजवीज़ कुनंदा नवाब सनाउल्ला ज़ेरी साहब, थायत कुनंदा नवाब चंगेज़ मरी साहब। नंबर 2 जनाब सरफराज अहमद बुगटी साहब दोबारा उम्मीदवार हैं और उनकी तजवीज़ कुनंदा है सरदार अब्दुर्रहमान कैतरान साहब और तहत कुनंदा है सरदार सरफराज चाकर खान डुमकी साहब। और नंबर 3 पे जनाब सरफराज अहमद बुगटी साहब अगेन उम्मीदवार दि सेम, उनको तजवीज़ किया है जनाब अजी हली मदद जतक साहब ने और उनको तहत किया है ज़हूर अहमद बुलेदी साहब ने। और नंबर 4 पे अगेन नाम उम्मीदवार जनाब सरफराज अहमद बुगटी साहब हैं और उनको पैट्रिक मसीह साहब ने उनको तजवीज़ किया है और मीर आसिम कुर्द गिलू साहब ने उनको तायद किए उनकी। इसके अलावा हमें और कोई भी नॉमिनेशन पेपर मौसूल नहीं हुए हैं, लिहाजा ये चारों जो पेपर्स मुझे मौसूल हुए हैं, हम उनने उनको जांच पड़ताल की, हमने उनके थाए जो तजवीज़ कुनंदा के डॉक्यूमेंट्स और उनके नाम वगैरह हमने सब चेक किए। सब की कानूनी कार्रवाई के बाद ये चारों पेपर्स जो ना वो एक्सेप्टेड है और इंशाअल्लाह ताला सरफराज अहमद बुगटी साहब हमारे बिला मुकाबला चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान होंगे।